वेलकम बैक अगेन गाइस। सो हमें हमारे साथ एक और एक सर जुड़ गए हैं जिनसे हम फिर से बात करने लग गए हैं, जिनसे पूछने वाले हाल कैसा है जनाब का। सबसे पहले उनसे जानते हैं उनका नाम। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाफर खान है। Okay. मैं गोवंडी का रहने वाला हूँ, मुंबई का ही हूँ, महाराष्ट्र का। okay. और इधर मेरी आरके वॉच का शॉप है, उधर ही मैं जॉब करता हूँ। ओके नाइस, काफ़ी कुछ सर ने बता दिया है। उससे पहले हम सर के बारे में बातचीत तो करेंगे, पर मैं जानना चाहती हूँ सर का हाल। तो सर हाल कैसा है जनाब का? हाल तो बहुत डाउन है, तबीयत बहुत ख़राब है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ही मैं परसों से अजमेर से आया हूँ, उसकी वजह से उधर की ठंडी की वजह से, इधर की गर्मी की वजह से मेरा तबीयत ख़राब हो गई है। उसकी वजह से थोड़ा लूज मोशन वगैरह हो गया है, इसके वजह से थोड़ा ठीक ठाक नहीं लग रहा। ठीक ठाक नहीं है मतलब हाल ठीक ठाक नहीं है, लेकिन अजमेर से आप आ रहे हो, वहाँ का मौसम, मैं वहाँ के मौसम के बारे में कुछ जानना चाहूँ। वहाँ पे तो बहुत ठंडी है, 10% ठंडी है वहाँ पे। ओके। और यहाँ पे तो उसका कुछ भी नहीं, आधा भी नहीं है। तो कैसा लग रहा था जब आप अजमेर में थे, आपको कैसा फील हुआ, लाइक मन कर रहा था वापस आने का? नहीं वहाँ पे डे हो नाइट हो कुछ मालूम नहीं पड़ता था, क्योंकि उधर पे फिलहाल कैसा, उधर पे अजमेर दरगाह है, उधर पे उरुस वैसे ही घूमने गए थे हम लोग। नाइस। तो आप कितने दिन तक थे वहाँ पे? एक हफ्ता। फिर तो आपको पक्का आने का मन नहीं किया होगा? नहीं। ये मैं समझ सकती हूँ भाई, ऐसी जगह पे गए, एक तो वो दरगाह है और वहाँ पे पीस है और ठंडी का मौसम, इतना सुहाना मौसम है, तो आने का मन तो नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रेट सर, की हाल अभी तो ठीक नहीं है, बट मैं विश करती हूँ कि बहुत जल्दी अच्छे हो जाए, ठीक हो जाए, आप हेल्दी वेल्दी हो जाओ। बट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सर, मैं जानना चाहूँगी आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा हैप्पी मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल सकते। मैरिड, शादी। ओके। जो शादी का दिन वो कोई नहीं भूलता। ओके। अभी तक याद है वो दिन। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लाइक हम मान के बारे में भी पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे। तो आपकी शादी कब हुई थी? मेरी तो शादी 2017 में। और सब कुछ कैसा है, फैमिली कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है एकदम, दो बच्चे हैं, हैप्पी बच्चे हैं, हैप्पी वाइफ है, कोई टेंशन नहीं है, खाली कमाना है, घर देखना है, अपना देखना है बस। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, और हम विश करेंगे, हम दुआ करेंगे कि ये खुशियाँ कायम रहे, आप ऐसे ही खुश रहो, आपकी वाइफ और आपके बच्चे भी ऐसे ही खुश रहे। सो एक हैप्पी मोमेंट तो पूछा है, क्यों ना एक सैड मोमेंट भी आप बता ही दो। सैड मोमेंट तो जब डिलीवरी का टाइम था वाइफ का, तभी था, मतलब फर्स्ट टाइम था तो खुशी भी हो रही थी, सैड भी हो रहा था कि वाइफ हॉस्पिटल में है, डर लग रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके वजह से। ओके, तो एक वो डर, लाइक बहुत अच्छा लग रहा है सर से बात करके, लाइक जो भी है उनकी जो पूरी फैमिली है उनके अराउंड, वो ही है, उनका सब कुछ है। सो आप अभी अजमेर गए, तो आप फैमिली के साथ गए थे या फ्रेंड्स के साथ? फैमिली के साथ। ओके, होल फैमिली गई थी, पूरी फैमिली? तो बहुत ही अच्छी बात है, लाइक इतने दिनों बाद हमें एक फैमिली मैन मिला है जो कि एक्चुअली बहुत खुश है, और हम दुआ करते हैं, विश करते हैं कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे, और वो सबसे पहले तो सर बहुत जल्दी ठीक हो जाए, जो कि उनकी हेल्थ जो कि थोड़ी ठीक नहीं है वो ठीक हो जाए। सो आपने हैप्पी मोमेंट बताया, सैड मोमेंट भी बताया, सो हम सैड मोमेंट को दूर करते हैं, अपनी वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। आप अपनी वाइफ के बारे में कुछ बताइए। वाइफ के बारे में क्या बताओ, जैसे उनका नाम, आप लोग कब मिले, आप लोग ने लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की? लव मैरिज की है। जैसे मैं, मेरी शॉप है जो आरके बर्गर, उसने वो मेरे ससरे की है, तो उनकी भतीजी है, उनके थ्रू मिला हूँ। ओके। तो लव मैरिज शादी हुई है, उनके घर वाले से बात करके, फिर मेरे घर वाले से बात करके लव मैरिज, यानी 2 इयर्स लव चला, उसके बाद मैरिज हुई। ओके। सबको सबसे पहले उनको देख के क्या लगा था, लाइक पहली नज़र वाला प्यार था या फिर धीरे 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 प्यार हुआ, कैसे हुआ आपको प्यार? पहली नज़र वाला ही था। okay. कि उनको देखते था तो ऐसा लगा ही था कि मुझे प्रपोज करना है, इनसे शादी करना है। ओके। और आपने वो किया, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप उससे अच्छे से निभा भी रहे हो, और ये बहुत अच्छी, बहुत ज़रूरी चीज़ भी है कि यार हम जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करके अगर वो चीज़ को निभाते हैं ना, सो ऊपर वाला भी देख रहा है आप, लाइक बहुत अच्छा ही कर रहे हो लाइफ में कुछ। और जैसे कि सर ने बताया बहुत सारी बातें कि वो खुश भी है। सो वाइफ के बारे में तो पूछा ही, एक बार उनका नाम भी जान लेते हैं, उनका नाम क्या है? नसरीन खान, अभी फिलहाल खान हो गए मेरे साथ में जुड़ के। ओके। तो नसरीन शेख थी, अभी खान हो गए। ओके, इतना प्यारा सा नाम है। जब मैम के बारे में पूछा है तो भी सर ने थोड़ी देर पहले बच्चे भी कहा था, तो बच्चों के बारे में भी जान लेते हैं, आपके बच्चों के बारे में बताइए। बच्चा है 4 इयर्स का है, जिसका नाम है कासिम खान, और एक है 2.5 इयर्स। ओके। उसका कबीर खान नाम है। ओके। दोनों लड़के, अभी एक खाली लड़की चाहिए, उसका वेट कर रहा हूँ, अभी उसका टाइम आया नहीं, उसका टाइम आने के तो उसका भी नाम कुछ सोचा है? नहीं, अभी फिलहाल नहीं सोचा है। ओके, जब वो आएगी तब एक प्यारा सा, जैसे मैम का नाम है वैसे एक प्यारा सा नाम उसका भी रख देंगे, मुझे ज़रूर पता है। सो
आप आपके लाइक दो बच्चे हैं, तो आपके कुछ ऐसे सपने हैं फैमिली के साथ, लाइक ऐसा कोई ड्रीम जो आपको पूरा करना हो कभी फ्यूचर में? ड्रीम तो मेरा एक ही है कि एक अभी तो फिलहाल मैं भाड़े के रूम में हूँ, खुद का रूम लेना चाहता हूँ, एक कार लेके बस फैमिली के साथ हैप्पी घूमना है, कमाना है, खाना है, बस ये। नाइस यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगेन मैं कहूँगी टच वर्ड, और मेरे दर्शक और हम मिलके दुआ करेंगे कि आपकी ये विश पूरी हो। सो विश के साथ हम लोग एक सर की हॉबी भी पूछ लेते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है सर? हॉबीज़ में जैसा रोड पे जो भी बिजनेस है मेरा रोड पे ही है। बचपन से मैं 11 ईयर्स का था जब मैं 7th पढ़ता था, जब से मैं चेंबूर में ही आया हूँ जॉब पे। ओके, स्कूल पढ़ता था, जॉब पे आता था, तो मेरे को कैसा रोड का पूरा जो धंधा ये बिजनेस लाइन है सब मेरे को नॉलेज है। जैसा अभी वॉच हो गया, बर्गर शॉप हो गया, फिर इसके बाद जैसा मैक्सी वगैरह जो सेलिंग करते हैं वो सब सेल्समैन अच्छे से आती है। ओके, मतलब हर चीज़ पता है सर को यहाँ की। और इतने टाइम से जब यहाँ पे काम कर रहे हैं तो लाइक काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बन गए होंगे। फ्रेंड्स ही नहीं, यहाँ पे जितने भी आसपास है वो सब तो फैमिली ही होंगे इतने टाइम से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। अभी जाने नहीं बोलूँगी, अभी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। सो ये पीछे हमारा ये बैनर लगा हुआ है मास टीवी का, सो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली है, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। एक्चुअली इसमें तो जगह कम थी, हमारे पास बहुत सारा कॉन्टेंट है, बहुत फास्ट कंटेंट है। सो आपको कुछ नहीं करना है, मास्ट टीवी डाउनलोड करना है, और ये जितने भी शोज है, सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है, मूवीज़ है, ये आपको फ्री में देखने मिलेगी वहाँ पे। यस, ये मोबाइल में डाउनलोड, ये टीवी में डाउनलोड हो सकता है। एंड्रॉयड टीवी पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो मास्ट टीवी प्ले स्टोर से। आप दो iOS मतलब आईफोन में भी कर सकते हो और एंड्रॉयड फ़ोन में भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री है, आपको कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है आपके नंबर से। लॉगिन करने के बाद आप हमारे साथ जुड़ जाओगे, उसके बाद आपको जो देखना है, जो जॉनर है, कॉमेडी, हॉरर, थ्रिलर, ड्रामा, कुछ भी, सब कुछ फ्री है। और हमारा शो तो है ही फ्री, हमारा शो तो हमेशा फ्री ही रहेगा, इवन सारे शो फ्री रहेंगे, क्योंकि हम लोग ने वो ही सोच के लोगों के लिए ये बनाया है। उसके लिए बहुत बेस्ट है, अच्छी बात है, थैंक यू उसके लिए। थैंक यू सो मच। और आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए, बस आप लोग भी खुश रहिए। सपोर्ट है हम लोग का पूरा आपके लिए। थैंक यू सो मच। तो मैं जाने से पहले एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूँगी, हाल कैसा है जनाब का? अभी तो फिलहाल बढ़िया है। ये सुन के हमारे हाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। लाइक जब हम सुनते हैं ना कि आप लोगों के हाल अच्छे हैं, तो हमें खुशी, आधी खुशी तो वैसे ही मिल जाती है, बट जब हम सुनते हैं ना बात करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा अच्छा हुआ है, थोड़ी सी खुशी और मिल गई है, तो वो तो हमारे लिए बेस्ट होता है। सो जाने से पहले मैं चाहूँगी एक प्यारा सा मैसेज, अगर आप अपने फैमिली में किसी को या फिर मेरे दर्शकों को कोई मंत्रा, सीक्रेट मंत्रा या कुछ बोलना चाहोगे आप ज़रूर बोल सकते हो। नहीं, तो अभी सोचा नहीं। ओके, सो आप अपनी मैम से अगर कुछ दो प्यार के लव्स कहना चाहोगे तो वो तो बड़ी खुश हो जाएंगी। नहीं, उनके लिए तो हमेशा पूरी लाइफ ही उनके लिए है मेरी। नाइस, यही काफ़ी बड़ी बात हो गई, उसमें तो बोलने मैसेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थैंक यू सो मच सर, होप आप जल्दी ठीक हो जाए, और आज के बाद आप जहाँ भी जाएंगे ज़रूर लोगों से पूछना हाल कैसा है जनाब का। थैंक यू सो मच। बैक अगैन गाइज, आज का दिन मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, आज का दिन बहुत
सुंदर है, बट वो बहुत 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 सुंदर हो गया है क्योंकि हमें एक मैम भी मिल गई है जो हमारे साथ बात करने के लिए रेडी हुई है, जो हमें अपना हाल बताने के लिए रेडी हुई है। तो सबसे पहले मैम का नाम पूछते हैं। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? अनीता नेटके। ओके, आप कहाँ पे रहते हो? यहाँ पे चेंबूर में या बाहर से? नहीं नहीं, चेंबूर में रहती हूँ। ओके, आप क्या करते हो? हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमन? दोनों भी काम, मतलब काम भी करती हूँ और हाउस वाइफ भी। ओके यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैम के साथ तो बहुत सारी बातें करेंगे ही, उससे पहले मैं जानना चाहूँगी मैम का हाल। सो मैम, हाल कैसा है जनाब का? अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। ये तो बहुत अच्छी है यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो क्यों ना इस अच्छा है, ठीक है और लाइफ बहुत ही अच्छी है, हाल का राज जान लेते हैं ना मैम से। क्या है मैम इसका राज, खुशी का राज? आपकी खुशी का राज बोलो तो है, अपने भी इसमें अभी मेरे को, मुझे तो लड़की नहीं थी, मेरे बड़े बड़े लड़के को लड़की हो गई, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। अरे मेरे को नात हो गई तो मैं उसमें बहुत खुश हूँ। अरे वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं मैम से एक खुशी का पल पूछने ही वाली थी कि मैम ने ऑलरेडी खुशी का पल बता दिया, पर फिर भी हम वो सवाल पूछेंगे। बट उससे पहले हम मैम की नातिन के बारे में कुछ पूछेंगे। अरे मेरी नात बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है, इतना बोलती है ना, बहुत अच्छा लगता है। उसका नाम क्या है? श्रावणी। श्रावणी, वाह ये तो बहुत ही प्यारा नाम है। सो इसका नाम किसने रखा? उसके मेरे भाई ने रखा। भाई ने रखा, नहीं ये तो बहुत ही प्यारा नाम है। तो वो कितने साल की है अभी? वो अभी 4 साल की है। 4 साल की, तो छोटी सी होगी वो एक। अच्छी है, बोलने में सब में अच्छी है वो। चलो, बोलती है बहुत अच्छा से। ये तो बहुत अच्छी बात है। सो मैम लाइफ कैसी चल रही है अभी? लाइफ तो क्या है, अपना घर काम बच्चे इसमें ही है बस, दूसरा कुछ नहीं, बस यही है जो भी है इसमें ही लाइफ अभी, यही हमारी लाइफ तो यही है, यही है ना, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है ना, तभी भी उसमें हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। सो आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप हाउस वाइफ भी हो, आप वर्किंग वुमेन भी हो, सो आप क्या करते हो मैम एग्जैक्टली? मैं बस में काम करती हूँ। बस में? हाँ, बच्चे लोग को छोड़ने का। ओके, स्कूल वैन में? स्कूल वैन। यार ये तो बहुत ही प्यारा काम है। सो कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हो? अभी वो तो मैं पहला करती थी, अभी लॉकडाउन में छूट गया था। हाँ, तो अभी ये कितना 6-7 महीना हो गया जा रही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और हम दुआ करेंगे, विश करेंगे आप ऐसे ही हेल्दी वेल्दी रहो, खुश रहो और हमेशा काम करते रहो। सब कुछ कर रहे हैं मैम और लाइक मैम की लाइफ भी बहुत अच्छी है और मैम सब खुश है, सबसे बड़ी बात तो ये है। सो क्यों ना आप खुश तो हो ही, तो एक ऐसा कोई हैप्पी मोमेंट आपकी लाइफ का, ज़िंदगी का ऐसा कोई खुशी का पल जो आप कभी नहीं भूल सकते, सिवाय जब श्रावणी हुई थी उसके अलावा, क्योंकि हमें पता है जब श्रावणी हुई थी वो तो आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट होगा, बेस्ट पल होगा, बट उसके अलावा अगर कोई हैप्पी मोमेंट है तो हम जानना चाहेंगे। अभी उसके अलावा क्या है, शादी हो गई उसके बाद हो गया हैप्पी मोमेंट। ओके, तो जब मैम की शादी हुई तो वो एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट था आपकी लाइफ का। तो बस उसके बाद तो कुछ नहीं। फिर बच्चे लोग पढ़े लिखे अपने हो रहे अच्छे से, यही तो चाहिए ना, दूसरा कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। सो मैम से ना एक बार उनके सर के बारे में बात कर लेते, पूछ लेते हैं सर कैसे हैं, क्या करते हैं, आपके हस्बैंड के बारे में? वो भी काम पे जाते हैं, काम करते है अच्छे से। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है और आज वो जरूर बहुत खुश होंगे कि ओहो देखो मेरी वाइफ अनीता ने मेरे बारे में बात की, सर तो बहुत ही खुश होने वाले हैं। ठीक है, सर के बारे में तो बात की, आपके बच्चे कितने हैं मैम? 3 है। 3 और तीनों लड़के हैं? लड़की नहीं है उसमें, मैं बहुत यानी लड़की नहीं थी तो मैं जरा क्या बोलते हैं ना, एकदम सैड हो गई थी, मगर जब से मेरी नातन हो गई तब से मैं खुश हूँ, खुश हूँ उसमें ही, मैं खुश हूँ। कुछ भी होने दो, मैं उसको देखती है तो मेरा सब दर्द दुख सब दूर हो जाता है मेरे नातन को। मतलब जब से मैम दादी बनी है ना, उस दिन से मैम हमेशा लाइक अगर सैड भी होती है ना तो फिर वो खुश हो जाती है, वो श्रावणी जो कि उनकी नातिन है उसका फेस देखती है तो वो खुश हो जाती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। सो मैम एक हैप्पी मोमेंट तो आपने बताया, कि ऐसा सैड मोमेंट कोई दुख का पल अगर आपकी ज़िंदगी में कभी आया हो तो आप बताना चाहेंगे? ना बहुत बार आया है, तो हम उसमें से बस एक जानना चाहेंगे। तो वही है जो मेरी पहला जो मेरे को लड़की हुई थी ऑफ हो गई थी। ओके, तो 2-3 दिन में ऑफ हो गई थी, वो मेरा बहुत बड़ा दुख था मेरे ऊपर।
उससे यानी बहुत तकलीफ हो गई हम मैम थोड़े से इमोशनल हो गए। हम कोशिश करेंगे कि मैम को कम डाउन करें। आप टेंशन मत लो, देखो वो अब वो तो नहीं है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम विश करेंगे कि वो जहाँ भी हो अभी खुश हो। बट आपकी जो प्यारी थी श्रावणी आए ना आपकी ज़िंदगी में, मैं तो चाहूँगी कि आप हमेशा उस तरह खुश रहो, उसको लाइक अच्छे से संभालो, जैसे आप अपनी बेटी को पालना चाहते थे। मुझे पता है आप वही कर रहे होगे, जैसे अपनी बेटी को पालना चाह रहे होगे आप उसको वैसे ही पाल रहे होगे। सो अभी वो दुख का पल जो था उसको भूल जाते हैं, उसको जाने देते हैं, थोड़े से खुश हो जाते हैं, खुश रहते हैं और लोगों से पूछते रहते हैं हाल कैसा है जनाब का। सो मैम आपकी ऐसी कभी कोई हॉबी लाइक ऐसी कुछ हॉबी है थी, जानना चाहूँगी मैं क्या हॉबी थी और वो थी क्यों है? हॉबी तो था, हॉबी थी, मगर अभी कुछ बोलने से फ़ायदा नहीं है। अभी क्या है, उम्र हो गई है। उम्र तो हो गई है पर लेकिन जो ठीक है ना, लेकिन वो जो हॉबी थी हम चाहते हैं जानना मैम क्या आपकी हॉबी थी। क्या पता ये हॉबी अगर आप बोलो फिर आपके अंदर एक जोश आए या फिर कभी आप सोचो कि मैं कर लेती हूँ पूरा। उम्र उम्र कुछ नहीं होती है मैम। चलो ठीक है, आप एक बार शेयर तो करो आपकी हॉबी क्या रही थी। डांस करने की। डांस, अरे वाह, तो एक काम करती हूँ ना, अब चलो मेरे साथ मेरे घर। उम्र उम्र कुछ नहीं है मैम। अरे जाड़ी वाड़ी, अरे कुछ नहीं, आप मुझे देखो मैं तो दिन भर घूमती हूँ लोगों से पूछती हूँ। दादी बन गई दादी तो। अरे जब श्रावणी बड़ी होगी बोलेगी मेरी दादी को डांस करूँगी। मैं तो बोलूंगी आप अपनी श्रावणी के साथ डांस करना, वो बड़ी खुश होगी, बोलेगी मेरी दादी और मैं डांस करते हैं। मैम देखो ये बहुत ही प्यारा आपकी, बहुत ही प्यारी आपकी हॉबी थी। मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से सोचो। नहीं बाबा, अभी सब लोग हंसेंगे। नहीं नहीं कोई नहीं हंसेगा, आप बस थोड़ा सा कभी सोचना। नहीं बाबा, हम लोग में कैसा है, कोई बुढ़ा इंसान की उम्र हो गया वो कुछ करने लगेगा तो नाम रखते हैं हम लोग के इसमें। हाँ। तो अच्छा नहीं लगता। तो आप बुढ़े कहाँ हुए हो? अरे मैं मतरी नहीं डाली। नहीं कौन कौन बोला तुम्हें ऐसा? नहीं कुछ बुढ़ी बुढ़ी नहीं हुए गाइज। मैं चाहूंगी आप लोग ना ये एपिसोड को इतना आगे बढ़ाओ, इतना आगे बढ़ाओ, इतना आगे बढ़ाओ कि ये मैसेज मैम तक पहुंचे और हमारे मैम को बोलो कि यार मैम देखो आप कुछ बुढ़े बुढ़े नहीं हुए, आप अपना हॉबी अभी भी पूरा कर सकते हो। सो मैम जरूर आप अपनी हॉबी एक कोशिश कीजिए श्रावणी के साथ, क्या पता, क्या पता फिर जो आपके यहाँ के लोग हैं। अभी अभी उम्मीद है वो श्रावणी के ऊपर है, जो मेरा कुछ पूरा नहीं हो गया तो वो श्रावणी करेगी, है ना। ये भी अच्छी बात है। सो मैम के जो सपने हैं मैम चाह रहे हैं और मैम को पता है कि वो जो उनकी नातिन है वो पूरी करेगी एंड वी विश कि वो भी एक बेस्ट डांसर बने ताकि आपको जो सपना था आपकी जो खुशी है हो जाए। नहीं होगा होगा होगा, बस आप ऐसे ही अपने आप सपने देखना कभी मत छोड़ो मैम। आप सपने देखोगे तभी वो भी सपने देखेगी और जब सपने देखोगे तभी ही पूरे होंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम, और लेकिन अभी जा नहीं रही हूँ मैं, आपसे थोड़ी बहुत बातें शेयर करूँगी। सो ये जो शो है मेरा, जो ये शो है हाल कैसा है जनाब का, श्रावणी का फोटो नहीं आ सकता है? आ सकता है ना, आप उसको नेक्स्ट टाइम लेके आओ। नहीं मेरे मोबाइल में है ना, दिखाओ, हम देखना चाहेंगे मैम की जो श्रावणी है प्यारी सी बेटी उसको देखना चाहेंगे हम। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, हम जब सुबह से घूम रहे हैं ना यहाँ पे, लोगों से बात कर रहे हैं, कोई हमें कुछ बता रहा है, कोई हमें कुछ बता रहा है, बट एक दादी वाली फीलिंग जो हमें आज तक कभी नहीं मिली हमारे कोई भी एपिसोड में, बट आज एक प्यारी सी दादी वाली फीलिंग भी हमें मिल गई है। सो गाइज आप लोग देखो यार हमारे शो को देखो, सपोर्ट करो, प्यार करो। आप लोग सपोर्ट करोगे प्यार करोगे ना तो ही हम लोगों को और प्रेरणा मिलेगी, हम लोगों को लाइक और जोश आएगा कि हम और जाए लोगों से बात करें और पूछे हाल कैसा है जनाब का। तो मैम अभी उनके प्यारी सी जो नातिन है उसकी फ़ोटो ढूंढ रहे हैं, जब तक हम मैंने सोचा जब तक मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। सो आई होप आप लोग भी एक दूसरे से पूछ रहे होंगे हाल कैसा है जनाब का, एक दूसरे को परेशान नहीं कर रहे होंगे और खुश भी होंगे लाइफ में, क्योंकि इतने टाइम से मैं बोल रही हूँ आप लोगों को खुश रहो, आबाद रहो और एक दूसरे को पूछते रहो हाल कैसा है जनाब का। सो मत भूलो यार और पूछते रहो हाल कैसा है जनाब का। ये मेरी श्रावणी। ओह ये सच में बहुत क्यूट है, ये सच में बहुत ही क्यूट है, दिख रही है वो।
ये तो सच में बहुत ही क्यूट है। सब जो थोड़ी देर पहले हमने जो दिल से दुआ की थी, हम अभी भी दिल से दुआ करेंगे कि जो मैम के जो सपने हैं, मैम उसके लिए देख रही है कि मैम ने जो सपने देखे हैं वो ज़रूर पूरे हो, वो एक बहुत ही अच्छी डांसर बने। और जिस दिन वो बहुत अच्छी डांसर बनेगी ना, हम ऐसे कैमरा लेके जाएंगे। मैं भले ही मैं बोलूँगी, मैं मैम को भी साथ में लेके जाऊँगी कि मैम चलो हम लोग दोनों जाएंगे और उसका इंटरव्यू करेंगे और पूछेंगे हाल कैसा है जनाब का। बहुत अच्छा है। सो अभी मैं आपको थोड़ा सा हमारे चैनल के बारे में बताऊंगी। हमारा चैनल है जिसका नाम है मास टीवी, जिसका बैनर भी यहाँ पे लगा हुआ है। सो ये सारे जितने भी इसमें पोस्टर लगे हैं शोज़ के, ये सब फ्री है, एकदम फ्री। कुछ पैसे नहीं देने, सिर्फ फ़ोन में डाउनलोड करना है और लॉगिन करना है आपके नंबर से। उसके बाद आपको जो देखना है आप इसमें देख सकते हो। हमारा ये जो हाल कैसा जनाब का शो है, ये भी इसी में आने वाला है और ये भी एकदम फ्री है। आप जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको सारा सब कुछ देखने मिल जाएगा। आप ज़रूर ये शो देखिए, आप सारे शो देखिए हमारे चैनल के, क्योंकि सब फ्री है और सभी बहुत अच्छा कंटेंट है। मुझे पता है आप ज़रूर देखोगे। अगर आना चाहिए ना, आएगा। मैं आपको भी, मैं भी मैम को सब करके बता के देखे जाऊँगी और आप वादा करो कि हमारा शो और हमारा चैनल ज़रूर देखोगे। देखोगे। थैंक यू सो मच मैम। जाने से पहले फिर पूछूंगी हाल कैसा है जनाब का। अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा भी है, ठीक भी है और बहुत ही अच्छा है। हम दुआ करेंगे, विश करेंगे कि ये अच्छा ही, ठीक ही और बहुत ही अच्छा हमेशा रहे। और जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप एक छोटा सा मैसेज दे के जाओ हमारे दर्शकों को, या फिर एक ऐसा कोई सीक्रेट मंत्रा लाइफ में खुश रहने का। क्या है, लाइफ में खुश रहो, जिंदगी बहुत बड़ी है। हाँ। क्या और कुछ बोल नहीं सकती, उतना ही बोलूंगी बस कि आज लाइफ में खुश रहो, अच्छा रहो, अच्छे रहो। एग्जैक्टली, खुश रहोगे, अच्छे रहोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे, तभी तो जी पाओगे यार। और सपने देखते रहो। मैम तो नहीं पूरे कर पाई, बट मैम को पता है कि वो आगे करेंगी। श्रावणी के जरिए मैम ज़रूर अपने सपने पूरे करेगी। तो आप लोग भी अपने सपने पूरे करो और खुश रहो, आबाद रहो और एक दूसरे से पूछते रहो हाल कैसा है जनाब का। थैंक यू सो मच। जब तक चलोगे ये रास्ते चलेंगे, जब रुकोगे रास्ते तब भी वही होंगे जहाँ थे। लेकिन कभी कभी महसूस होगा तुम्हें ये पूछ रहे हैं हाल कैसा है जनाब का। तो चलते रहो रास्ते पर मंजिल की तलाश में और जीते रहो जिंदगी, करते रहो एक सफर तय उस पल के इंतजार में जब कोई अपना, कोई पराया, कोई दीवाना, कोई बेगाना पूछ न ले हाल कैसा है जनाब का।